नमस्कार। मैं वैसे दिल्ली में रहता था, लेकिन जब मैं यहाँ उत्तराखंड में आया तो एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली, मतलब मैंने पहले कभी देखी नहीं थी और मुझे आइडिया नहीं था कि ये ऐसे होता है। मतलब अगर बात करें तो हल्दी की, हल्दी मुझे पता नहीं था कि कैसे उगती है, लेकिन जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि हल्दी कैसे उगती है, कैसे उसे निकाला जाता है और यूज़ करने से पहले क्या क्या उसके साथ किया जाता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हल्दी का पौधा खेतों में उगा हुआ। ये देखिए, ये हल्दी का पौधा है। तो अगर हम ये देखिए, ये हल्दी के पौधे, ये सारी हल्दी लगी हुई है। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ कि हल्दी पौधे की खुदाई कैसे करती है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक विशेष बात की और ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब हल्दी हमें लगता है कि पकने लग गई है तो हम इसके ऊपर के पत्ते काट देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पत्ते हैं, ये पत्ते ये काट दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर सब कटे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे हम निकालते हैं, जो मेरा तरीका है। कुछ लोग ये बड़े इसका यूज़ करते हैं और कुछ को गोड़ा, जो भाई का जो हथियार होता है, खुदाल, इसका नाम क्या है? मेरा एक अलग तरीका है खोदने का। मैं पहले एक बड़ा खुदाल लेता हूँ। मेरा तरीका है हल्दी निकालने का कि मैं सबसे पहले एक बड़ा खुदाल लेता हूँ, जिससे खोद लेता हूँ, मतलब जो सख्त ज़मीन होती है इससे आसानी से खुद जाती है। उसके बाद छोटा सा खुदाल लेता हूँ जिससे मैं खोल देता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कैसे खोदते हैं मेरे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हल्दी निकालते हैं। तो एक कहीं भी जाके आप, तो मैं आपको अभी इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये हल्दी है, पहले जड़ के थोड़ा सा दूर खुदाई। अब करो। ये देखिए, ये हल्दी निकल गई, कच्ची हल्दी। अच्छा, इसको थोड़ा झाड़ लेते हैं। ये हल्दी हमने उसे अलग कर दी है, झाड़ के जो मिट्टी मिट्टी लगी थी। तो ये कच्ची हल्दी हमारे सामने। अब ये जो जड़ है इसमें कहीं ना कहीं है, तो हम यहाँ से इसे काट सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो दिखाते हैं। अब या तो किसी आरी दराती से काट सकते हैं इसको। तो ये हल्दी हम कहीं भी फर्श में जहाँ पर धूप हो वहाँ पर ऐसे फैलाते हैं। इसको थोड़ा फैला दिया जाए। और हाँ, एक बात और, जैसे आप देख रहे हैं कि हल्दी लगी हुई है, तो यहाँ से ऊपर का पोर्शन हमारे लिए बेकार है। हम यहाँ से इसे दराती बोलते हैं, ये ऐसे काट सकते हैं ऐसे। ये पोर्शन हमारे लिए बेकार होता है, इसको हम फेंक सकते। एक और ज़रूरी बात की और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो हल्दी है, अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ी साफ सुथरी हल्दी रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी छाल हटा दी जाती है। उसके बाद इसको जैसे हम आलू उबालते हैं तो वैसे उबाला जाता है और साफ किया जाता है। उसके बाद इसके पीसेस, छोटे छोटे पीसेस इनके लिए सुखाने के लिए रख जाता है। जब सूख जाती है अच्छी, मतलब एक आपको एक पता चलेगा जब आप तोड़ेंगे उसे, कड़क की आवाज आती है, पता चल जाएगा हल्दी सूखी है नहीं सूखी। उसके बाद हम इसको पीसने के लिए दे देते हैं। पिसाई के बाद फिर रेडी टू यूज़, आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी मन पसंद हल्दी, और एक अच्छे स्वाद के साथ, अच्छे कलर के साथ। नमस्कार।